www.dikshabharatiya.com मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भारतीय। नगर निगम द्वारा शहर में 864 इमारतों का सर्वे किया गया और उनमें से 263 इमारतों की पार्किंग में अवैध निर्माण होना सामने आया है। इसी के चलते 184 इमारतों के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नगर निगम द्वारा शहर भर की बहुमंजिला इमारतों की जांच पूरी कर ली गई है। इसमें से अब तक 263 इमारतों में पार्किंग की जगह अवैध निर्माण पाया गया है और निगम ने 184 बिल्डिंग निर्माताओं को नोटिस भी जारी कर दिए हैं और नोटिस के जरिए इन्हें 15 दिन में अवैध निर्माण हटाने के लिए कहा गया है और ये निर्देश दिए गए हैं कि अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो रिमूवल गैंग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। वहीं नगर निगम द्वारा कोचिंग संस्थानों का भी सर्वे शुरू किया गया था और इनमें से ज़्यादातर कोचिंग संस्थानों की जांच पूरी हो चुकी है और इस आधार पर 223 संस्थानों में कमी पाई गई है। इन संस्थाओं को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं और इसके पहले 38 संस्थानों को बंद करने के नोटिस भी दिए जा चुके हैं और 18 संस्थानों को सील भी किया जा चुका है। और अब ऐसे स्कूल जहां सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त साधन नहीं है या पहुंचने का मार्ग नहीं है, उनकी मान्यता रद्द करने के लिए कलेक्टर को पत्र लिखे जाएंगे। मंगलवार को हुई टीएल बैठक में निगम आयुक्त आशीष सिंह ने बीओ और बीआई को फटकार लगाई। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हाल ही के दिनों में नगर निगम द्वारा कुछ जर्जर मकानों को ढहाया गया था, लेकिन ऐसे मकान गिर गए थे जिनका नाम सूची में शामिल नहीं था। इसी के चलते नगर निगम आयुक्त ने बीओ और बीआई को जमकर लताड़ा और कहा कि उन्हीं मकानों पर कार्रवाई की जाए जिनके नाम सूची में है और अगर आगे से ऐसी लापरवाही सामने आती है तो बीओ और बीआई को निरस्त कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर शहर में नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है और जर्जर हो रहे मकान और ऐसे शिक्षण संस्थान जहाँ पर सुविधा नहीं है और वो बिल्डिंग जिन्होंने अपनी पार्किंग में पार्किंग की जगह अवैध निर्माण करवा रखे हैं, उन पर कार्रवाई लगातार जारी है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।